टर्की में पहली बार नोटिस किया मैंने कि सिटी के अंदर भी काफी अच्छी सड़कें हैं भाई। वैसे अभी तक किसी सिटी में अंदर सड़कें अच्छी नहीं थी। काफी यूनिक सा डेकोरेशन है भाई यहाँ पे ना, छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ना वो नोटिस करोगे तो अलग सी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जेन्युइन रिव्यूज देने में भाई ओनर अलग ही चिढ़ गया हमसे। पूरा जंगल भाई साहब, घना जंगल दोनों तरफ, वो भी खींच रखी है। वैसे लगभग पिछले 2.5-3 घंटे से एक सिंगल ब्रेक नहीं लिया भाई, कंटिन्यूस गाड़ी चल रही है 120-125 पे। मोल बाहर वीडियो बना रहा था, ठीक है, तो वो बंदा कहता जो फ्यूल भर रहा था कि वीडियो मत बनाओ, ठीक है, और वो बंदा उस वाली येलो वाली गाड़ी में। और यहाँ पे ना ये वाइपर जैसा रखा हुआ है तो इससे आप विंडशील्ड खुद से साफ कर सकते हो। फटाफट से चमका देता हूँ मैं भी। लेके आया था वो यही पड़ी खड़ी है अभी तक, ये बताओ कोई लेके ही नहीं गया। यही होता है, ये बोलते हैं नहीं मेरी वाली उधर है, ये वाली शायद अनमोल की है, पता नहीं। पीछे तो गाड़ी है, चलो निकल जाएगी वैसे। चलो जी, पिछले लगभग 5-6 वीडियो से बोल रहा हूँ मैं गाड़ी साफ करानी है, बट अब इस्तांबुल में भाई करा ही लेंगे। अब अच्छे से पूरा ब्रेक लेके इस्तांबुल में सारी चीज़ें निपटा के उसके बाद ही एंटर करेंगे यूरोप, क्योंकि भाई यूरोप में बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल होने वाला है। कल पार्किंग कर तो दी जैसे तैसे घुसा के, बट अब निकालने में दिक्कत है भाई क्योंकि बहुत पतली गलियां हैं। निकल ही गई, चलो ऐसे थोड़ी भाई, प्रो ड्राइवर है तुम्हारा भाई। सबसे पहले रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाई है भाई, क्योंकि कल खाना नहीं खाया मैंने रात को, तो पहले रेस्टोरेंट पे पेट पूजा उसके बाद निकलेंगे इस्तांबुल। उम्मीद नहीं थी कि अंकारा में रेस्टोरेंट मिलेगा, बट हमने ऑनलाइन चेक किया तो उस पर दिखा रहा था कि इंडियन रेस्टोरेंट है, रिव्यूज भी काफी अच्छे थे, बट फिर मैंने जब गूगल पे देखा ना तो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है बट उस पर इंडियन डिशेज है, क्योंकि जो उनका मेन्यू है ना उस पर भी लिखा हुआ है अरेबिक, पाकिस्तानी एंड पता नहीं एक और टर्किश फूड, ठीक है, तो इंडियन तो नहीं है रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बट कोई नहीं, एटलीस्ट इंडियन फूड मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 24th of June और मैं हूं भाई अभी द कैपिटल सिटी ऑफ टर्की अंकारा में। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा भाई कि हम लोग अंकारा में आगे स्टे कर रहे थे, वैसे हम लोगों को रुकना था यहाँ पे एक दिन और, बट हमने डिसाइड किया कि छोड़ो, इतना ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे घूमने के लिए, मॉन्यूमेंट्स वगैरह ही है और वो ऑलरेडी हम लोग देखने वाले इस्तांबुल में। वैसे हमने कल ही शाम को जितना सिटी स्क्वायर घूमा जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा, और आज हम लोग निकल गए भाई दूसरी कैपिटल आप कह सकते हो टर्की की, इस्तांबुल की तरफ। रोड ट्रिप टू लंदन की सीरीज में भाई हमारी सेकंड कंट्री होने वाली थी टर्की, और होने वाली थी मतलब है सेकंड कंट्री टर्की, और इस कंट्री की लास्ट सिटी जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो इस्तांबुल, जो कि सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है टर्की का। सेकंड बिगेस्ट डेस्टिनेशन जो था वो था कपाडोशिया, जो ऑलरेडी हम लोग आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। इस्तांबुल के बाद हम लोग एग्जिट कर जाएंगे टर्की से और एंटर करेंगे भाई अपनी थर्ड कंट्री कह लो या कॉन्टिनेंट कह लो या कुछ भी कह सकते हो यूरोप में, जहां पर बेसिकली हम लोग अराउंड 10+ कंट्रीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट इस्तांबुल में हम लोग अच्छा खासा टाइम रुकने वाले हैं, तो इस्तांबुल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे भाई। काफी ज्यादा डेवलप्ड सिटी है भाई अंकारा, कैपिटल है हो भी क्यों ना, देख सकते हो एकदम प्रॉपर क्राउडेड सिटी, अच्छी अच्छी गाड़ियां, और कल यही वो स्क्वायर है जहाँ पर हम लोग अपना वो स्कूटर सा लेके खड़े हुए थे, मस्त स्कूटर रेंट कर लिया था कल, उसी से घूम रहे थे। जिन्होंने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं की देख लेना जाके, मतलब व्लॉगिंग ठीक से नहीं हो पाई उस पे, बट फिर भी जितना हो पाया उतनी कोशिश करके डाल दी। ये देखो भाई, ये है यहाँ का सिटी स्क्वायर, यहीं पर आए थे हम कल मेट्रो से, और यहीं से ही इस वाली रोड पे अंदर से हम लोगों ने डुक सी जो छोटी सी साइकिल थी वो रेंट करी थी, वो देखो वो लगी हुई है सारी। इसको बी मैप इंस्टॉल करके आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो पूरी सिटी में। कल होटल लेने सिटी में कम से कम 12-15 किलोमीटर अंदर आ गए थे भाई, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम था, तो हमने सोचा था कि थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हम नहीं स्टे करने वाले हैं, अब वापसी से 15 किलोमीटर एग्जिट करना पड़ेगा सिटी से, और ये हल्का फुल्का जो चलता फुलता ट्रैफिक है ये टाइम खाता है सबसे ज्यादा, बट फिर भी कोई नहीं। आज का डिस्टेंस हमारा सिर्फ होने वाला है 450 किलोमीटर के आसपास, और 5 घंटे दिखा रहा, तो आराम से पहुंच जाएंगे दिन में, मतलब अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सनसेट भी जो हो रहा है ना वो 8:30 हो रहा है, और इस्तांबुल में तो थोड़ा और फर्क आएगा क्योंकि वो वेस्टर्न साइड पे है। टर्की में पहली बार नोटिस किया मैंने कि सिटी के अंदर भी काफी अच्छी सड़कें हैं भाई, वैसे अभी तक किसी सिटी में अंदर सड़कें अच्छी नहीं थी, हाईवेज और एक्सप्रेसवे तगड़े हैं बस। इस रेस्टोरेंट का नाम है ढाबा 47 और प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया में है। कल मैंने इनका मेन्यू देखा था ना, तो उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना तो था ही, बट उसके साथ इन्होंने पैकेज बना रखे थे स्टूडेंट्स के, जिसमें कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, पनीर चावल, चिकन चावल, ठीक है, जैसे होता है ना कॉलेज वाले एरिया के आसपास प्रॉपर टिफिन बॉक्स टाइप चलाते हैं ये, यही कहीं पर ही है, देखिए दिख रहा है, दिखा तो यही रहा, नाम कुछ और ना हो यहाँ पे। वैसे इनका गूगल पे नंबर भी बंद दिखा रहा था, यही दिख रहा है कि यहाँ पे एक पाकिस्तान बकला का लिखा, पाकिस्तान, अच्छा यही तो है ढाबा 47, ये रहा,
हिंदुस्तान भी लिखा है बट इन्होंने हिंदुस्तान। ये रहा भाई, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। बताओ इतनी बड़ी पार्किंग में सर ने एक बाइक खड़ी कर रखी है। 15 मिनट हो गए भाई साहब ढूंढते ढूंढते, अब जाके मिली है पार्किंग सामने। वहां पर है रेस्टोरेंट, दो बार घुमा ली मैंने गाड़ी पूरे अपार्टमेंट के अगल बगल। तो ये है भाई अंकारा का हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कह सकते हो आप लोग। चल के देखते हैं क्या क्या है खाने में, कैसा है खाने में। इंटीरियर तो काफी शानदार बना रखा है यार, देख रहे हो, और शामियाना बना रखा है। जो भाई साहब मेन्यू बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है भाई इनका तो। वैसे इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड लगभग सेम ही है नॉन वेज के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान में भी ज्यादा वेजिटेरियन मिलता नहीं जहाँ मैंने सुना है। चिकन वगैरह के प्राइस तो सेम ही लग रहे हैं मुझे। कापाडोशिया जैसे वहाँ पे भी 170 कुछ का लिया था इसने, 160-170 के आसपास ही। वेजिटेरियन नहीं सॉरी जो ये, हाँ ये वेजिटेरियन था 170-160, मतलब सस्ता है भाई। वैसे कापाडोशिया है भी टूरिस्ट प्लेस तो वहाँ तो भाई ऑब्वियसली महंगा होगा। वेजिटेरियन क्यों दिख रहा मुझे, हाँ ये रहा, ये देखा था मैं। सेम मेन्यू था वैसे ऑनलाइन भी, मटर पनीर विद राइस, दाल विद राइस, आलू पालक विद राइस। काफी यूनिक सा डेकोरेशन है भाई यहाँ पे ना, छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ना वो नोटिस करोगे तो अलग सी नजर आ रही है। जैसे शामियाने में बीच में देखो पंखे से पता नहीं क्या लटका रखा है, कुछ यूज नहीं है शायद इसका, शायद लाइट है पता नहीं क्या है, रात के टाइम पे नजर आ रहा। सामने देखोगे तो बड़े बड़े पिक्चर्स लगा रखे हैं वहाँ, इंडिया टर्की और पाकिस्तान का झंडा भी लगा रखा है। इधर देखो पेड़ ही उगा दिया भाई अंदर ही अंदर, सही है मस्त। वहाँ पे मैंने नोटिस किया वहाँ पे देखो भगवानों के फोटो भी बने हुए हैं भाई, एज अ पाकिस्तानी होते हुए भी ठीक है, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होते हुए भी प्रॉपर हिंदुस्तान का ख्याल भी रखा है भाई। नाइस, लो भाई आ गया है अपना ऑर्डर। तो बहुत कम क्वांटिटी है यार, बहुत ज़्यादा कम। और ऑथेंटिक भाई स्टील के ग्लास में आई है अपनी लस्सी। और ये एक ही नान मंगाया था, अच्छा दो नान आते होंगे, बटर नान बोले थे बट तो ठंडे हैं तो ठंडे नान है, इसको बुलाना पड़ेगा भाई। लस्सी देखें कैसी है। वैसे मैंने तारीफ करी रेस्टोरेंट की सब कुछ, बट भाई खाने को ओनली 6 out of 10। एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली है देख सकते हो भाई, ऐसा लग रहा है तेल डाला ऊपर से। पराठे तो ऐसे हो रखे हैं देख रहे हो, खा ही नहीं गए ऐसे, मुंह में डाल दे सलो। और ये सीके हुए पराठे नहीं है, तेल में तले हुए पराठे हैं, शायद पाकिस्तान में ऐसे चलते हो, बट भाई हमसे नहीं खाए जाएंगे, तबीयत अलग ख़राब हो जाएगी इतना तेल खा के। और ये नान भी एकदम सूखे सूखे हैं। सब्जी का टेस्ट वैसे थोड़ा ठीक है बट वो ऑयली बहुत है यार। रेस्टोरेंट्स नो डाउट यार काफ़ी अच्छा है यार, छोटी छोटी डिटेल्स कितनी ज़्यादा आई कैचिंग है देख रहे हो। काफ़ी आइडिया लिया जा सकता है यहाँ से अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना हो अपना। देख रहे हो वहाँ पे भी अपना अलग से रूफ बना रखा है सिटिंग एरिया, नीचे वहाँ पे बेसमेंट में किचन है और वॉशरूम है, मस्त वॉल पेंटिंग्स भी हो रखी है। नाइस, लो भाई बिल आया है 420 लीरा का, तो ये लगभग वही पड़ गया जो हम कापाडोशिया में खाते थे, बट वहाँ पेट भर जाता था, यहाँ पेट नहीं भरा। चलो भाई चलते हैं, ओके थैंक यू। ऐसा लग रहा था जेन्युइन रिव्यूज देने में भाई, ओनर अलग ही चिढ़ गया हमसे, बात ही नहीं कर रहा उसके बाद आने के बाद। वो बीच में आया पूछते खाना कैसा था, हमने बस इतना बोला ऑयली था वैसे ठीक है, उसके बाद तो भाई वो आया ही नहीं। कोई नहीं, चलो हम निकलते हैं भाई इस्तांबुल की ओर। पेट पूजा हो चुकी है, गाड़ी की पेट पूजा गली करवा दी थी तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। और वैसे आपको बता दूं भाई, इस्तांबुल या फिर आप अंकारा बोलो या फिर पूरा टर्की बोल लो, इंडियन से ज़्यादा आपको पाकिस्तानीज मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी टर्की ही चूज़ करते हैं अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए उनको कहीं फॉरेन कंट्री जाना होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत है भाई, भर भर गए हैं सीरियसली, तो इसी वजह से शायद यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। है वैसे कापाडोशिया में है क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आ गए तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सारे टूरिस्ट आएंगे, बट रहने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए आप बोलो पाकिस्तानी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। चलो जी लो भाई यहीं से ही, कल हमने हाईवे छोड़ा था और सिटी के अंदर गए थे, वापस से गोल चक्कर पकड़ के हाईवे पे निकल जाएंगे। हाईवे कह लो एक्सप्रेसवे कह लो, वैसे एक्सप्रेसवे तो नहीं है क्योंकि एक्सप्रेसवे पे एग्जिट नहीं मिलता, इन पे एग्जिट मिल जाएंगे आपको इजीली, ये तो हाईवे ही है। फिर अंकारा सिटी से लगभग 30-35 किलोमीटर बाहर आते ही इंडस्ट्रियल एरिया आ गया प्रॉपर, और अभी मैं सोच ही रहा था कि शायद पहाड़ी रास्ता सारा खत्म हो गया, बट देख रहे हो सामने तुरंत ही पहाड़ आ गए। अब ये नहीं पता इस्तांबुल का यहाँ से रास्ता प्रॉपर ऐसी एक्सप्रेस वे और हाईवे ऐसी का सीधा, या फिर जैसे अभी तक हम लोगों ने ट्रैवल किया है पहाड़ों के बीच बीच में से एक्सप्रेस वे वैसा है। बट चाहे पहाड़ी रास्ता हो या एक्सप्रेस वे भाई मज़ा तो आता है ड्राइव करने में, कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही ज़्यादा टाइम लगता क्योंकि मैप पे उतना ही टाइम दिखाता है जितने किलोमीटर है। देख रहे हो बड़े बड़े वेयर हाउसेज है भाई लेफ्ट राइट दोनों साइड में, मशीनरीज लगी हुई हैं, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है शायद ये। लो भाई आज का पहला टोल
बट यहाँ पर शायद कुछ कटेगा नहीं क्योंकि एंट्री है एक्सप्रेसवे की, एग्जिट पे कटता है जैसा कि कल हुआ था सेम वैसा ही। यहाँ पे कैमरे लगे हुए ना, मतलब बढ़िया रोड मिलने वाली है लगभग 150-200 किलोमीटर तक की शायद। हाईवे पे देखना भाई कैसा जाम लग रहा है, खतरनाक भाई साहब। पिछले लगभग 500-600 मीटर से ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पता नहीं पीछे क्या था, ध्यान नहीं दिया, शायद टोल था कि वेरिएटिंग थी, पता नहीं। अपना रास्ता बट क्लियर है, मस्त स्पीड मेंटेन हो रही है। रास्ता काटने के लिए पहाड़ों के बीच में से एकदम टनल जा रखी है, अभी काफ़ी लंबी होगी जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि बहुत पहले से ही आसार लग रहे थे कि टनल आने वाली है। और ऐसे टनल बनाने के पीछे ना रीजन भी यही होता है कि जितना पैसा और टाइम ये लोग वेस्ट करेंगे ना पहाड़ के साइड साइड से रास्ता बनाने में, उससे अच्छा है कि सेंटर में से निकाल दो, भले ही कॉस्ट उतनी आएगी बट जो बंदा ट्रैवल कर रहा है उसका थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब खुद ही देखो कितनी लंबी टनल है भाई साहब, पूरे जम्मू कश्मीर में भी ऐसी टनल्स बनी हुई हैं क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है उससे। लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबी टनल थी, पर कितना ही रास्ता काट दिया होगा इसने। टनल से निकलते भाई एकदम ही चेंज हो गया सब कुछ, देखना पूरा जंगल भाई साहब, घना जंगल दोनों तरफ वो भी। और अभी 3-4 दिन पहले डाला था इसका वाइपर का पानी, सारा फिर खत्म हो गया, इतने मच्छर कीड़े मर रहे भाई इसके ऊपर, हर 15-20 मिनट पे चलाना पड़ता है वाइपर, पता नहीं क्या रुख है उस लेन में, समझ नहीं आ रहा है। पिछले 50-60 किलोमीटर से देख रहा हूँ मैं, ऑन ऑफ जाम है ही, मतलब कहीं कहीं पर हट जाता है फिर वापस ऐसा जाम आ जाता है। सोच रहा हूँ अगर हमारी साइड ऐसा जाम होता तो क्या होता भाई, यहाँ तो गंदा ही लटक जाता है और गाड़ियाँ मूव भी नहीं कर रही भाई, एकदम वैसे की वैसी खड़ी है। बताओ ना ही तो एक्सीडेंट हो रखा है, ना ही कुछ ऐसी बैरिकेडिंग है, बट फिर बहुत लंबा जाम है भाई, बहुत लंबा। चलो भाई रेंज भी लगभग 90 किलोमीटर की बची है, तो सामने अभी एक बोर्ड आया 5 किलोमीटर आगे है फ्यूल पंप और एक मिडवे कह सकते हो, तो वहीं पर ही रुकते हैं, फ्यूल अप भी हो जाएगा और थोड़ी बॉडी स्ट्रेच भी कर लेंगे। लगभग 250 से ऊपर किलोमीटर 270 किलोमीटर आसपास खींच चुके हैं भाई। लो भाई आ गया है मिडवे, सारी बसें रुक रही है भाई जैसे अपने इंडिया में एक्सप्रेस हाईवे पर रुकती है। लंबा डिस्टेंस है ना वैसे अंकारा से और इस्तांबुल, और है भी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज, तो काफी लोग अप डाउन करते होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी। पता नहीं डीजल है कौन सा है, पता करना पड़ेगा एक बार। डीजल वाला ये है भाई, डीजल वाला, बट हमारा डीजल का लेट है लेफ्ट साइड पे। चलो देखते हैं, खींच रखी है वैसे लगभग पिछले 2.5-3 घंटे से एक सिंगल ब्रेक नहीं लिया भाई, कंटिन्यूस गाड़ी चल रही है 120-125 पे। पर इन सड़कों पे चला गया तो मेरी आदत भी गंदी पड़ चुकी है, देख रहे हो एवरेज 9 का हो गया है यहाँ पे, इतना महंगा फ्यूल उसके बावजूद भी खींचे जा रहा हूँ। बताओ कहीं कहीं ना भाई एकदम अजीब लोग ही मिलते हैं भाई कसम से। अभी अनमोल बाहर वीडियो बना रहा था, ठीक है, तो वो बंदा कहता जो फ्यूल भर रहा था कि वीडियो मत बनाओ, ठीक है, और वो बंदा उस वाली येलो वाली गाड़ी में फ्यूल भरवाते हुए सिगरेट पी रहा है गाड़ी में बैठ के, और उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं। बताओ हद है, मतलब वो तुम्हारे लिए ज्यादा डेंजरस है वो तुम्हारी वीडियो बना रहा है, या फिर वो ज्यादा डेंजरस है जो फ्यूल भरवाते हो सिगरेट पी रहा है वो फ्यूल पंप पे। बताओ मतलब वहां एकदम मीटर के बगल में सिगरेट पी रहा है, उसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बताओ हद कर रखी है। और वो देखो सामने कोई राइडर है वहां पे, और अनमोल ने बाइक देखी और लग गया वो बातचीत करने, और ये पता नहीं क्या कर रहा है, 15 मिनट हो गए यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। चलो भाई ओके, ये है भाई पेट्रोल ऑफिसी, पेट्रोल पंप, बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं यहाँ पे अलग अलग, मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। और जो शेल पेट्रोल पंप आपको इंडिया में देखने को मिलता है ना वो यहाँ पर भी है भाई, और हम लोग हमेशा भी मैक्स जलवाते हैं डीजल एरा, डीजल राइट। चलो जी, तो यहाँ पे ना ये वाइपर जैसा रखा हुआ है, तो इससे आप विंडशील्ड खुद से साफ कर सकते हो, फटाफट से चमका देता हूँ मैं भी, पानी आगे देख के कहीं पे भर लेंगे। चलो भाई चमक गई इसकी विंडशील्ड, पानी यहाँ पर होगा नहीं तो चल के आगे रास्ते में देख के कहीं भरवा लेंगे। और फ्यूल पूरी टंकी खाली थी क्या भाई, 60 लीटर की टंकी लगभग 50 लीटर के आसपास आएगा, 10 लीटर तो हो गई इसमें। और कुछ लोग डीएफ लिक्विड के बारे में पूछ रहे थे भाई कि डीएफ लिक्विड कब भरवाओगे, क्यों नहीं भरवा रहे हो, तो आपको बता दूं भाई जैसे गाड़ी की एवरेज काम करती है ना कि कितनी एवरेज बची है, उसी तरीके से डीएफ लिक्विड के भी दिखाता रहता है परसेंटेज की, कितना परसेंटेज बचा है, तो वो भी घटता बढ़ता रहता है, तो 72 है, 69 है, 68 है, उसके आसपास ऊपर नीचे हो ही रहा है वो लगभग, तो अभी तो बहुत टाइम है भाई, 2 किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है डीएफ लिक्विड, और फालतू में कैरी करने का कोई फायदा नहीं है। व्हाट डीएफ, अच्छा नो थैंक्स। तो भाई यहाँ पे डीएफ लिक्विड का बताओ मीटर लगा हुआ है, क्या बात है, इंडिया में गैलन वगैरह में मिलता है, ठीक है, तो मैं वही कह रहा था फालतू में लेके कैरी करने का फायदा नहीं है, यहाँ से लेके यूरोप तक, यूरोप में इजीली मिल जाएगा पेट्रोल पंप पे, तो बढ़िया हो जाएगा। कार्ड से पेमेंट,
स्लिप स्लिप मैंने बताया ना भाई, यहाँ पे अगर कैश नहीं देना, आपको कार्ड करना है, तो इन लोगों के पास कोई कार्ड मशीन नहीं होती है, ये लोग स्लिप देते हैं और सामने वहाँ पर एक मार्ट सा बना हुआ, वहाँ पर लेके जाके आपको वहाँ पे पैसे कटवाने हैं। ओके, तो ये है भाई रिसीट, इस पे देखो गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। और हमारा बिल है कहाँ गया, 1100 टर्किश लीरा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.7 से, इंडियन रुपीज में आ जाएगा। तो ये है भाई कार्ड, तो भाई ये ग्रीन एप्पल और बेर जैसा कुछ है, ये भी मिल रहे थे, तो ये भी ले लिया, ऐसा ही है गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। चलो भाई, लगभग 220 किलोमीटर बचा है, ढाई घंटे का रास्ता दिखा रहा है, फ्यूल अप करवा लिया है, विंडशील्ड भी साफ हो गई है, निकलते हैं, वन गो में हो जाएगा फिर से। टैक्स तो आ गया भाई, बट यहाँ पे करना है, सब लोग तो फास्ट टैग डाल रहे हैं अपना, बट हमारे पास नहीं है, अब हेल्प का दबाया, देखो कोई तो आना चाहिए। हेलो हेलो, खुल गया, चल 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 चल, बंद हो जाएगा भाई, उन्होंने मैंने बोला उधर से, उन्होंने अपने आप खोल दिया। कोई था ही नहीं वहाँ पे, तो हेल्प का बटन था, तो वो दबाया, तो उधर से कुछ आवाज़ आई, मैंने नॉर्मल इंग्लिश में बोला, बट वो समझ नहीं पाया, तो उन्होंने खोल ही दिया। अगर कोई होता तो फटका पड़ता बढ़िया 500-600 रुपये का, क्योंकि कल हमने सिर्फ 250 किलोमीटर आए थे हम लोग, 350-400 रुपये लगे, तो आज 500 से तो ऊपर ही लगते, लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर बचा, एक्सप्रेस वे से उतर गए हैं, बट अब बढ़िया हाईवे मिल जाएगा। ये एप्पल और बेर लेके आया था मैं, एप्पल तो खा लिया, बेर को मुंह में डालते ही पता चला भाई बेर नहीं है, आमला है, इतना खट्टा भाई साहब, ऊपर से देखने में बेर लग रहा था बट है सच में आमला ही यार। लो भाई एक और टोल टैक्स, ये जो दोबारा हमने एक्सप्रेस वे पकड़ा था ना, इसका है, ये पुराने वाला तो हम छोड़ा है, और 89 टर्किश लीरा लिखा हुआ है वहाँ पे, क्या पता हमारा पुराना वाला ऐड होके बताएं ये लोग। 49 टर्किश लीरा, ओके चलो भाई चलो। लो भाई एक और टोल, सारा चट्टा पूरा हो रहा है आज, जितना भी फ्री में घूमे है ना अभी तक हम टर्की और ईरान में, सब पूरा हो जा रहा है टर्की टर्की में। ओके चलो, सामने ही आ गई है भाई इस्तांबुल सिटी, दूर आप लोगों को छोटी 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 बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, बहुत बड़ी सिटी है, अभी अंदर चल के दिखाते हैं, या आउटस्कर्ट्स है थोड़ा, और एक मतलब केनाल सी पड़ती है, उसको क्रॉस करने के बाद एक्चुअल इस्तांबुल शुरू होता है। देखो कुछ ऐसा सा है ना मैप पे, अभी हम लोग यहाँ पर हैं और ये केनाल है, समुद्र की है मतलब केनाल, ठीक है, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो हम एक्चुअल इस्तांबुल के अंदर एंटर कर जाएंगे। और अभी लोकेशन डाल रखी है मैंने इंडियन रेस्टोरेंट की, मतलब हम इंडियन रेस्टोरेंट जा नहीं रहे बट इसके आसपास ही होटल देख रहे हैं, तो अभी कॉल लगा लगा के मैं सब जगह पूछ रहा हूँ कहाँ पड़ता खा रहा है, मुझे लगा था कि थोड़ा तो सस्ता होगा कैपडोशिया से, बट भाई बहुत महंगे होटल हैं यार। ये देखो ये वाली जो केनाल है ना जो यहाँ पर दिख रही है आपको मैप में, सेम वही केनाल यहाँ पर आ गई, अब ये क्रॉस करके हम लोग एंटर कर जाएंगे इस्तांबुल शहर में। तो लो भाई एंटर कर गए हैं इस्तांबुल सिटी के अंदर, और अलग ही नज़ारे हैं भाई यहाँ के, हो भी क्यों ना, टर्की की बिगेस्ट सिटी कह सकते हो आप इसे, और फॉरनर्स के थ्रू भी सबसे ज़्यादा विजिट की जाती है टर्की में, कापाडोशिया सेकंड नंबर पे आता है बता दूँ। अभी फिलहाल तलाश है होटल की, ये मेन स्क्वायर पहुँच ही गए लगभग, लगभग यहीं कहीं होटल चाहिए हमें, सो दैट हम डेली कुछ ना कुछ घूम सकें। आउटर में होटल सस्ते हैं बट मेन सिटी में होटल बड़े महंगे हैं यार, भाई साहब सर दर्द हो गया होटल ढूंढ ढूंढ के, अब जाके मिला है आधे घंटे बाद, और मुझे लग रहा है बजट बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को होटल का, क्योंकि भाई होटल तो मिल के नहीं दे रहे, बताइए यूरोप एंटर भी नहीं किया है, और 8-10 हज़ार रुपये का पर नाइट होटल है भाई, बहुत महंगा है यार। अब एक पता किया है, ये मिला है लगभग 3600-4000 रुपये के आसपास, बट पार्किंग भी नहीं है इनके पास, ठीक है, और ना ही ट्विन रूम है, मतलब 2 सेपरेट बेड, 1 डबल बेड है, और छोटा भी रूम है शायद, तो चल के देखते हैं, यूटल लेना है भाई, चल अब आगे से ले गया, ठीक है चल के देखते हैं, अब लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए सेंटर के आसपास ही, कंडीशन ही है बस, और सेंटर के आसपास सारे होटल चाहिए, होटल मिल जाए उसके बाद वो कल वाली लूलू लेके घूमेंगे पूरी सिटी में। भाई लोकेशन तो ये बहुत पतली सी गली में लेके आ गई, पर यही सामने ही है होटल अपना, बट ये वन वे लग रहा है मुझे, चल चल इसी तरफ है क्योंकि पीछे बोर्ड लगा हुआ था। ओ भाई यहाँ कहाँ होगी पार्किंग, हाँ ये रहा लास्ट सिटी होटल, लोकेशन तो अच्छी है यार, बढ़िया सी लग रही है, पता नहीं क्या सीन है पार्किंग का। भाई ये है रूम, पहली बार देखा है किसी, अरे अच्छा हाँ रूम तो ठीक ठाक सा लग रहा है यार, क्लीन सा, वॉशरूम हाँ वॉशरूम भी ठीक ही है, 1000 लीरा का दे रहा है ये, लगभग 4000 रुपये के आसपास का, 3800 के आसपास का,
चलो बताते हैं, पार्किंग का दिक्कत है, पार्किंग देखते हैं पहले क्या है। मुझे लग रहा है ना सिटी के एकदम पास ही है इस होटल की लोकेशन, इसी वजह से महंगा है कि रोड से मुश्किल से 500 मीटर अंदर आने का होटल मिल गया। बजट बढ़ा के भाई अब 5-6 हज़ार कर दिया। अब होटल ढूंढ रहे कोई, जाके देखते हैं सिटी स्क्वायर। उससे पहले सोच रहे इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, खाते खाते सोचेंगे क्योंकि नहीं मिल रहा भाई होटल पार्किंग के साथ, और पार्किंग स्पेस भी नहीं मिल रहा है, बड़ा महंगा है पार्किंग अगर अलग से ले रहे हैं तो। बताओ यार, इतनी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा स्क्वायर है, इतना बड़ा होटल है, इतना महंगा होगा बताओ ये, फिर भी पार्किंग स्पेस नहीं है, क्या फायदा ऐसी जगह पे होटल होने का। ऐसे तो सुंदर दिख रहा है बट पार्किंग चाहिए यार, ऐसे कैसे हो पाएगा। तो ये वाला होटल हमने पहले देखा था, होटल सिटी व्यू करके, पता नहीं कौन सा है, सिटी मैक्स सिटी सेंटर होटल, ठीक है। तो यहीं बगल में पार्किंग है और पेड पार्किंग है भाई, तो यहाँ पर हमने पार्किंग लिया लगभग 900 लीरा की, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, 3,000 के आसपास। और यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, तो यहाँ पर ये होटल पता किया है, ठीक लग रहा है। इसमें पता किया है तो भाई साहब 2,000 लीरा मांग रहे हैं, लगभग 7,000 पर नाइट। तो यार छोटे मोटे कोई होटल देखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि हमें रहना यहीं पर ही है मेन स्ट्रीट के पास, तो यहाँ तो ऑब्वियसली महंगा ही मिलेगा। होटल वगैरह देखेंगे भाई बाद में, जा रहे हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने, भूख लग गई, 8:30 बज गए बताओ रात के। तो देख रहे हो अभी भी कितना बढ़िया उजाला हो रखा है, तो यहाँ पे सनसेट मुझे लग रहा है 9:45 होगा, और लंदन में तो भाई साहब 10:30 बजे सनसेट होता है बताओ, पता चला मेरे को। ये रे भाई साहब लाइन से रेस्टोरेंट है भाई, इंडियन पाकिस्तानी, चलो डिस्को भी है भाई यहाँ पे, तो देख रहे हो ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। पाकिस्तानी पे हमें जाना नहीं है, हम जाएंगे भाई इंडिया गेट रेस्टोरेंट पे। इंडिया गेट भाई ऑब्वियसली ब्रो, नो ओनली इंडिया गेट, बेस्ट रेटिंग इसी की है ऑनलाइन, तो भाई इसी पे ही जाएंगे। तो ये लो भाई आ गए हैं। अच्छा आप ही थे क्या वो? अच्छा तो भैया बाहर से कुछ ऐसे हाथ हिला रहे थे तो मुझे लग गया था कि देखते होंगे, ठीक है। तो इसकी रेटिंग सबसे अच्छी थी भाई, तो इसी वजह से आ गए हम। जो कपाडोशिया में इंडिया गेट रेस्टोरेंट था ना, जहाँ पे हमने लास्ट डे खाया था, उसी की ब्रांच है ये भी, अभी पता चला। चलो भाई खाना मंगा लिया, पनीर, पनीर से बहुत थक गए थे इसलिए आलू गोभी की सब्जी और प्रॉपर अपनी पीली दाल मंगा ली है। ये आ गया इसका अचार, मैं तो भाई तवा रोटी खाऊंगा आज, पर ठंडी हो गई है तवा रोटी, कोई इशू नहीं है। हाँ टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, वैसे जो टेक्सचर और वो था ना, मुझे कपड़ोशे में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट टेस्ट करके देखते हैं। वाह वाह मस्त भाई, मज़ा आ गया। चलो भाई चलते हैं, हम उसी होटल पे जा रहे हैं यार, फालतू में भटकने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमें पता है सेंटर में हम इतना महंगा तो मिलेगा ही। इसमें लास्ट 1300 बोला था मेरे को, अब चल गए पर देखते हैं क्या पता थोड़ा सा कम कर दे, 1100-1200 भी कर दिया तो ठीक है, एटलीस्ट पार्किंग के पास में ही मिल जाएगा होटल, तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। चलो भाई चेक इन कर लिया है रूम में, होटल टूर आपको कल की वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि हालत नहीं अभी बिल्कुल भी, तबीयत वापस से ख़राब होनी शुरू हो गई है, और मैं सोच रहा हूँ कि कल का दिन रेस्ट ले लिया जाए, थोड़ी तबीयत भी ठीक की जाए, और जितना भी डेटा इधर उधर रोका सब कुछ ठीक करके ऑन द वे सारी चीज़ें चलें, क्योंकि अब रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं भाई, तो डेली रात को शेड्यूल करना पड़ता है, व्लॉग बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कल अच्छे से बैकलॉग बना लेता हूँ पूरे दिन बैठ के, सो दैट मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले टाइम पर भाई हमें यूरोप एंटर करना, और यूरोप में हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है पूरे दिन गाड़ी चलानी, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए हमारा वीजा है। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना, कमेंट जरूर करो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।